हाँ तो दोस्तों, ICDS लेडी सुपरवाइजर जो बिहार का तो फाइनली उसका जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी फाइनली अभी तो ऑफिशियल लाया नहीं गया है, लेकिन तो ICDS के द्वारा ऑफिशियल उसका जो कट ऑफ है तो वो एक्सपेक्टेड जारी कर दिया गया है। तो उस टॉपिक में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने आया हूँ कि आखिर जो आपका मेरिट लिस्ट बनती है, जो आपका मेरिट तैयार किया जाता है, वो आखिर किस बेसिस पर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर करने आया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर जहाँ बताने आया हूँ कि इस तरह मेरिट बनाया जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से आपका मेरिट बनाया जाता है, किस तरह से बनता है वो बताने आया हूँ। दोस्तों किन लोगों को मेरिट के अनुसार एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है ये भी आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको पता ही होगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन प्लस PG जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पर डाला होगा। दोस्तों जो लोग 10th, 12th, ग्रेजुएशन और प्लस PG डाले उन सभी को बेनिफिट मिलने वाली है एक्स्ट्रा, मतलब कि ग्रेजुएशन और PG का कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स बनता है उसके अनुसार भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। दोस्तों सभी बातें जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों जहाँ देख सकते हैं, सपोज मान लेते हैं कि सपोज जिन लोग का 10th में अगर 70% नंबर आता है, 12th में 65% नंबर आता है और ग्रेजुएशन में 60% नंबर आता है, तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसका आपका एवरेज परसेंटेज निकाला जाएगा। एवरेज परसेंटेज मतलब करने का क्या है कि ये तीनों को परसेंटेज को ऐड कर उसको 3 से डिवाइड कर दी जाएगा। जब दोस्तों 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज परसेंटेज टोटल 75 बनता है। दोस्तों ये 75 ओरिजिनल नहीं हुआ मेरिट लिस्ट, बल्कि इसमें कुछ और भी जुटेगा, चलिए देख लेते हैं कैसे। दोस्तों इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। अब आते दोस्तों इधर जा देख सकते हैं, जो आपका दोस्तों टोटल ओरिजिनल मेरिट दोस्तों ये रहा, ये ओरिजिनल मेरिट लिस्ट आखिर कैसे आपको बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है 5 और 10 जो अलग है वो क्या है, चलिए बता देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा, जहाँ आपको पता ही होगा कि जो लोग वैकेंसी में जो लोग ICDS का फॉर्म फिल किए थे, अगर उसमें जो लोग ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन दिए थे वो ग्रेजुएशन का डायरेक्ट आपका 5 नंबर ऐड हो जाता है आपका मेरिट में, और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि दोस्तों PG का अपना मेंशन किया था क्वालिफिकेशन, तो उन लोग का डायरेक्ट 10 नंबर ऐड हो जाता है टोटल मेरिट में। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से टोटल 5 प्लस 10 इस तरह से टोटल बन के आएगा। अब दोस्तों आते हैं वापस पीछे, जहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये रहा टोटल ओरिजिनल मेरिट, यानी कि दोस्तों पहले कहने को तो भाई कि जो मेरा पहला आया था 10th 12th और ग्रेजुएशन को जोड़कर 65% एवरेज, उसमें हमको 5 नंबर जोड़ना पड़ा किसका, ग्रेजुएशन का, और 10 नंबर जो जोड़ना पड़ा आपको PG यानी दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन का। इस तरह से टोटल अगर सारे तीनों को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों देख सकते हैं 65 प्लस 5 प्लस 10 इस तरह से टोटल 80%। दोस्तों ये रहा जो 80% आपका रियल एक्यूरेट मेरिट बनेगी। इसी के अनुसार दोस्तों आप सभी कैटेगरी में जिन लोगों का जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी के अनुसार उसके उसके परसेंटेज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अनुसार उनका मेरिट बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी, मैं आपको बता चुका हूँ पूरी डिटेल से। अगर अभी भी किसी पर डाउट आ रही है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाले हर तरह का गवर्नमेंट फॉर्म से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा। और दोस्तों ICDS से रिलेटेड जो भी आगे अपडेटेड न्यूज आने वाली है मैं अप टू डेट करता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।